एंकर एंड मेंटर स्वाति चावला। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डेटा फ्रेम, दैट इज लेबल इंडेक्सिंग एंड बुलियन इंडेक्सिंग। तो सबसे पहले हम वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट करो। देखो तो चोरी छुप के आपने वीडियो नहीं देखनी है, सिर्फ आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और उसको शेयर भी ज़रूर करना है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, अपने व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में शेयर कर रहे हैं, इस चैनल को शेयर कर रहे हैं, प्लस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, दैट इज लेबल्ड एंड बुलियन इंडेक्सिंग। देखो अगर मुझे क्या करना है, अपने जो है एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, एक्सेसिंग डेटा एलिमेंट्स इंडेक्सिंग, पर इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ तो दैट मीन एक्सेसिंग एलिमेंट्स। तो अगर मुझे अपने डेटा फ्रेम के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो वी आर हैविंग टू ऑप्शन, कौन कौन सा। एक होता है बाय यूजिंग इंडेक्सिंग एंड सेकंड वन इज बाय यूजिंग स्लाइसिंग, दैट इज लॉक। आई लॉक हम अपने में कवरअप कर चुके हैं। बेसिकली इंडेक्सिंग में भी हम लेबल इंडेक्सिंग कर चुके हैं, बट शायद आपको पता नहीं होगा कि हम लेबल इंडेक्सिंग। तो अगर मुझे अपने डेटा एलिमेंट्स को एक्सेस करना है थ्रू इंडेक्सिंग, देयर हैविंग टू मेथड, लेबल इंडेक्सिंग बुलियन इंडेक्सिंग। अब देखो लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें, लेबल मीन्स अभी तक आपने जो अपने रोज को या कॉलम को लेबल्स दिए, तो नेम प्रोवाइड किए, हम क्या कहते हैं लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग। तो अगर मैं इंस्टेड ऑफ देयर पोजीशन, अगर मैं लेबल्स के थ्रू अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर रही हूँ तो दैट मीन्स आपकी कौन सी होगी, लेबल बेस्ड। फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास, तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, मेरे पास एक डेटा फ्रेम, लेट्स सपोज एलिमेंट, अगर मैं लिख रही हूँ के लॉक एंड एट जो सबसे ज्यादा यूज होता है, राइट। तो अभी तक देखो हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि हमारी जो लेबल एंड बेस्ड इंडेक्सिंग है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उसके लिए मैं सबसे पहले अपना डेटा फ्रेम, हम पाइचाम पर आ गए, ठीक है। ये डेटा फ्रेम है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, आप चाहो तो उसको आइडियली में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। हमारा डेटा फ्रेम हो गया। अब अगर लेट सपोज मुझे यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करना है, लेट सपोज मुझे नेम कॉलम को एक्सेस, राइट। तो हम यहाँ पर एक तो क्या लिख सकते हैं, डी एफ डॉट नेम, क्या इस मेथड से मैं अपने डेटा फ्रेम का नेम कॉलम एक्सेस कर सकती हूँ। यस, मेरे पास नेम्स आ गए। अब यहाँ पर देखो मैंने लेबल यूज, राइट, किसी को करने का मेरे पास एक ये मेथड भी है विद इन स्क्वेयर ब्रैकेट्स, यहाँ पर अपना कॉलम, तो यहाँ पर कोट्स हैं, अगर आप विद इन स्क्वेयर ब्रैकेट्स लिख रहे हो तो आप अपना कॉलम का नेम विद इन कोट्स लिखोगे, तो तब भी मेरे पास अपने कॉलम का नेम एक्सेस हो गया, राइट। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो यूजिंग डी एफ डॉट लॉक, तो भी मेरे पास नेम कॉलम आ गया, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर अपने क्या यूज कर रही हूँ, लेबल यूज कर रही हूँ, इंडेक्सिंग नहीं यूज की, मीन्स मैंने पोजिशन नहीं दिए कि यहाँ पर 0, 1, 2, आई लॉक नहीं यूज किया, ठीक है। तो वहाँ पर आपने जो हमने टेक्निक्स पढ़ी है, यहाँ पर आपने देखा सिर्फ लॉक और एट लिखा है, आई लॉक और आई एट नहीं लिखा है। बस आई लॉक और आई एट आपकी फिर वो लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं होगी, वो पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग होगी, राइट। तो यहाँ पर हम जो अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं तो हम एक्सेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लेबल्स, ठीक है। आप बस मुझे एक सेकेंड दो, सी है जो चीज़ अभी तक हमने प्रैक्टिकली करी है, ठीक है। ये आपको डेटा फ्रेम गिवन है, यहाँ पर सपोज आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस कॉलम मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम का नेम लिखोगे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, मैंने क्या लिख दिया कॉलम का नेम, तो मेरे पास ये डेटा आ गया। इसी चीज़ को मैं डी एफ डॉट करके भी लिख सकती हूँ, इसी चीज़ को मैं डॉट लॉक के थ्रू लिख सकती हूँ। यहाँ पर इन्होंने नेहा दैट मीन्स एक रो को एक्सेस किया, चाहे आप रो को एक्सेस करो चाहे वो कॉलम को एक्सेस करो विद द हेल्प ऑफ लेबल्स, कि आपकी क्या हो गई है, लेबल बेस्ड।
एक से ज़्यादा मल्टीपल रोज करने हैं तो आप इस तरीके से डबल स्क्वायर ब्रैकेट दे सकते हो। तो बेसिकली आपका जो लॉक आई लॉक या जो बाकी कॉन्सेप्ट अभी तक हम पढ़ चुके हैं या हमारी इस वीडियो में डिटेल में देख सकते हो, बट इसको हम लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग राइट। यहाँ पर ये आई लॉक नहीं यूज हो, इसको मैं हटा दूंगी। अब नेक्स्ट देखो मेरे पास आती है बुलियन इंडेक्सिंग। अब बुलियन इंडेक्सिंग को अगर आप हम आपकी एनसीईआरटी देखें तो उसमें थोड़ा अलग मेथड से गिवन है, जो आपकी टेक्स्ट बुक से रखी है उसमें अलग मेथड से गिवन है। तो मैं आपको दोनों ही तरीके से करा रही हूँ, ठीक है। बेसिकली जो डिफरेंस है वो कि गलत कोई नहीं, हम सिर्फ बुलियन इंडेक्सिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आपकी एनसीईआरटी में तो देखो इस तरीके से गिवन है, हम दोनों मेथड से करेंगे। आपको ये डेटा फ्रेम गिवन, अब मैंने सपोज बोला मुझे मार्क्स नेम कॉलम है, तो मैंने बोला कि मुझे मार्क्स कॉलम दे कि मेरे पास मार्क्स आ गए, ठीक है। अब मैंने बोला कि देखो बूलियन इंडेक्सिंग, बूलियन का मतलब क्या होता है कि आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो वन या जीरो, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स, राइट। तो जहाँ पर मुझे रिजल्ट में ट्रू और फॉल्स मिलेगा तो वो आपकी बूलियन इंडेक्सिंग। अब दोनों ही मेथड में मेरा ऑब्वियसली काम ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है, वहाँ पर वो दोनों ही केसेस होगी तो आपकी वो बूलियन इंडेक्सिंग। अब देखो कन्फ्यूज, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि इसने मुझे सारे मार्क्स दिखा दिए ना, अब लेट सपोज मैं चाहती हूँ कि मार्क्स दिखाए है जिस मार्क्स 70 अबव है, आपने अब तक क्या लिखा था F, और ये मार्क्स जो भी आपके कॉलम का नेम है ग्रेटर देन 70 लिखूँ तो उनके मार्क्स आ जाएंगे, तो रिकॉर्ड आ जाएगा जिसका 70 अबव है। यहाँ पर हमने क्या सिर्फ कंडीशन दे दी ग्रेटर देन 70। तो अब आप ध्यान से अपना आउटपुट देखना क्या आपका आउटपुट है, ठीक है। अब देखो एक चीज, नंबर वन पॉइंट, इसका जो आंसर है वो ट्रू और फॉल्स की, ट्रू फॉल्स की आ रहा, तो दैट मीन्स आपकी क्या हो गई है बूलियन इंडेक्स। बूलियन इंडेक्सिंग में रिजल्ट आपका किस आएगा, ट्रू और फॉल्स की। हमने कंडीशन क्या दिया, क्राइटेरिया ईएफ, डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट, मार्क्स ग्रेटर देन 70, इसके मार्क्स 70 से अबव है। देखो एक तो इसके 76 की रो R2 है, तो R2 के आगे क्या आ जाएगा, ट्रू, मीन्स जो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे उसके आगे ट्रू आ जाएगा। एक है R4 जिसके मार्क्स है 78, यहाँ पर ट्रू आ गया, फिर R6 76, यहाँ पर ट्रू आ गया, और R8 77, ठीक है। अब जिसके मार्क्स 70 से कम है वहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, फॉल्स। तो बेसिकली दिस इज योर बुलियन इंडेक्स। अब देखो इसी में आपका एक कंसेप्ट आता है फिल्टरिंग का। फिल्टरिंग क्या कहते हैं कि मेरे को ये रिजल्ट ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए, आंसर ट्रू है मीन्स जिसके मार्क्स 70 अबव है उनका रिकॉर्ड आ जाए। तो आपने कुछ नहीं करना, जैसे स्लाइसिंग में करा था ना, डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट में ही इसको क्लब कर स्क्वायर ब्रैकेट लगा। तो अब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यू विल फाइंड दोज रोज ओनली जो मार्क्स 70 से ज़्यादा है, यहाँ पर जो रिकॉर्ड आ रहे हैं सिर्फ वो आ रहे हैं जिसके मार्क्स के हैं 70 से ज़्यादा है, ठीक है। एक तो हो गया ये वाला मैथ, सेकंड देखो क्या कहता है, नाउ सी दिस। सबसे पहले हमने क्या करा, पांडास लाइब्रेरी को इम्प्रूव किया, फिर मैंने एक डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी में यहाँ पर की में मैंने क्या ले लिया, डे मंडे ट्यूजडे, मीन्स बेसिकली हम किस चीज का बना रहे हैं, यहाँ पर मुझे ऑनलाइन क्लासेस या फिर नहीं, ठीक है। डे नेम से अपना बनाया और एक नंबर ऑफ क्लासेस नेम, ठीक, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया कि एक मंडे को कितनी क्लासेस होंगी, ट्यूजडे को कितनी होंगी, इस तरीके से। तो अब जब मैं डेटा फ्रेम को क्रिएट कर रही हूँ तो यहाँ पर जब मैं इंडेक्स पास करूँगी तो यहाँ पर वैल्यूज आपकी कौन सी है, फॉल्स ट्रू इस तरीके से, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैं इंडेक्स पास कर रही हूँ, यहाँ पर अब इंडेक्स आपकी बूलियन वैल्यूज है, वहाँ पर तो इंडेक्स आपने अपने अकॉर्डिंग दिया था, वो ट्रू फॉल्स आपका रिजल्ट जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे वहाँ पर आ रहा था, बट यहाँ पर ट्रू फॉल्स कहाँ पर आ रहा है, आपका इंडेक्स में आ रहा है, बिकॉज दिस इज द बूलियन इंडेक्सिंग, राइट। सो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो।
जब आप यहाँ पर इंडेक्स में लिख रहे हो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट ट्रू और फॉल्स लिख रहे हो, मेक श्योर कि ट्रू और फॉल्स आप विदाउट कोट्स लिखो, बिकॉज अगर आप इनको विद इन कोट्स लिखोगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग, तो वो आपकी बुलियन वैल्यू कंसिडर नहीं होगी, राइट। अगर आप यहाँ पर यहाँ पर देखो तो जब हमारे पास रिजल्ट ट्रू फॉल्स में आया था, ये तो फिल्टरिंग का कंसेप्ट था, राइट। तो जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो आपने क्या ये चीज़ नोट करी, सॉरी डीएफ मार्क्स ग्रेटर देन कोई भी कंडीशन दे। देखो जब सिंपल मैंने डीएफ मार्क्स लिखा तो डी टाइप की आ रही है एंड 64 इंटीजर वैल्यूज हैं। जब मैंने कोई कंडीशन दे दी, जब आपका आंसर ट्रू फॉल्स में आ रहा है तो अब इसकी डी टाइप क्या हो गई है, बूल, बिकॉज बुलियन वैल्यूज हैं सारी की सारी, दैट इज़ ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर अब मैं यहाँ पर इंडेक्स में ये आर वन आर टू की बजाय क्या देती हूँ, ट्रू और फॉल्स दे देती हूँ, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से फिलहाल कॉपी, इसको हम कर देते हैं कमेंट। आप वन और जीरोस भी दे सकते, आठ एट वैल्यूज हैं बेसिकली, और ये आपने लिखना है सारा का सारा विदाउट कोट्स, ट्रू फॉल्स टू थ्री फोर, इसी को हम आगे कॉपी पेस्ट कर। राइट, तो व्हेन वी विल एग्जीक्यूट दिस, अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, अभी सिर्फ हम इस कंडीशन को हटा देते हैं, राइट। तो अब देखो यहाँ पर जो इंडेक्सिंग हुई आपकी, ये इंडेक्सिंग ही की आपकी बुलियन वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगी, अब डेटा फ्रेम प्रिंट करा दिया, प्लस अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्रिंट डी एफ और ब्रैकेट में सपोज मैंने लिख दिया ट्रू, तो जिस जिस की इंडेक्सिंग अब यहाँ पर यहाँ पर नहीं आएगा ट्रू, यहाँ पर तो आपके कॉलम का नेम आएगा, ठीक है। चलो इसको भी हम करते हैं, यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई। अब उसके बाद आप देखो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, अगर आपको क्या चाहिए हो, ट्रू वैल्यूज चाहिए हो। अब सपोज इसको हम करेंगे डी एफ डॉट लॉक के थ्रू। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ डी एफ डॉट लॉक एंड देन ट्रू, तो यू कैन सी हियर जिस जिस की इंडेक्सिंग ट्रू थी मेरे पास सिर्फ वो वैल्यूज आएंगी। अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगी फॉल्स, तो जहाँ जहाँ पर इंडेक्सिंग मैंने फॉल्स करी है वो वाली वैल्यूज आएंगी, राइट। अब इसको एक बार हम थ्योरेटिकल देख लेते हैं। तो बेसिकली ये कंसेप्ट है आपका बुलियन इंडेक्सिंग, इसमें आपकी बुलियन वैल्यूज होंगी, तो वन और जीरो भी हो सकते हैं, प्लस ट्रू और फॉल्स भी हो सकते हैं। अब सब नेक्स्ट मेरे पास आता है कि मेरे को बुलियन इंडेक्सिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत है इसकी। देखो कई बार क्या होता है कि मुझे मेरे पास जो भी डेटा है उसको ट्रू फॉल्स में डिवाइड करना पड़ता है। लेट सपोज मेरे पास पूरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, मैंने बोला जिसकी एज 15 से ज़्यादा है वो हेड कैप्टन या हेड जो स्कूल के हेड बनते हैं उनको विंस वोटिंग के लिए वो एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं है। तो दैट मीन्स मेरा जो रिजल्ट होगा वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होगा। या फिर आप कह सकते हो कि आपके स्कूल ने डिसाइड किया कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे और कुछ डेज पर ऑनलाइन क्लासेस हैं कुछ डेज पर नहीं है, तो जिन जिन डेज पर आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं उसको मैंने इंडेक्स दे दिया ट्रू, जहाँ पर नहीं है उसको मैंने इंडेक्स क्या दे दिया फॉल्स। तो अगर आपको यहाँ पर अपने देखो यहाँ पर आपने बुलियन इंडेक्सिंग ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में भी दे सकते हो और वन और जीरो की फॉर्म में भी दे सकते हो। अब देखो अगर आपको इनको एक्सेस करना हो तो सिंपल क्या लिखोगे, ये आपका डी एफ क्या है, डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट डॉट लॉक ट्रू फॉल्स वन जीरो, जो भी एलिमेंट्स एक्सेस करने हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप उसी का सिंटेक्स लिख सकते हो। नाउ सी हियर, ये मेरे पास एक डेटा फ्रेम है, ये बुलियन इंडेक्सिंग मैंने फॉल्स टू फॉल्स इस तरीके से लिख रखी है। तो अब मैंने लिखा डी एफ डॉट लॉक ट्रू, व्हाट डज दिस मीन कि जहाँ जहाँ पर वैल्यू ट्रू है वो रिकॉर्ड्स आपके आ जाएंगे। तो बेसिकली ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, राइट। द रिजल्ट नाउ कंटेन्स ओनली दोज रोज हैविंग इंडेक्स एज ट्रू। अगर हम लिख देंगे डी एफ डॉट लॉक फॉल्स, सो दैट मीन्स कि जहाँ जहाँ पर इंडेक्स फॉल्स है वो रिकॉर्ड्स आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। सेम केस आपका वन और जीरो में, वन लिखोगे तो जहाँ जहाँ पर वन है वो डिस्प्ले होगा, जीरो लिखोगे तो जहाँ जहाँ पर इंडेक्स जीरो है वो डिस्प्ले होंगे, राइट। ये फिल्टरिंग हमने कर लिया, ठीक है। फिल्टरिंग का मतलब क्या है,
कि जैसे आपने जो कंडीशन लगाई है डेटा फ्रेम, इसको अब यहाँ से हटा के इसको हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं ef डॉट मार्क्स या फिर आप ऐसे लिख लो। फिर हमने यहाँ लिखा ग्रेटर देन 70, तो जिसके मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं, ये तो आपकी बुलियन इंडेक्सिंग हो गई। वहीं अगर मैं इस चीज़ को एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देती हूँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा कर, तो ये आपका क्या हो गया, फिल्टरिंग ऑफ रोज। फिल्टरिंग हो गई कि जो जो आपका ट्रू रिकॉर्ड था जिसके मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं वो रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, आप इसको चाहो तो स्ट्रीम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो कि सपोज़ मैंने यहाँ पर लिखा स्ट्रीम, तो जिसकी स्ट्रीम आपकी नॉन मेड है, अब नॉन मेड आपका विद इन कोट्स है, राइट, ग्रेटर देन नहीं डबल इक्वल्स। तो बेसिकली यहाँ पर हम अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर आपका जो स्ट्रीम है वो नॉन मेड है, दैट मीन्स आर वन और आर फाइव, ये दो रिकॉर्ड्स आ गए, राइट। सो इसको हम बोलते हैं फिल्टरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। डन, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, यानी कि टॉपिक दैट इज लेबल इंडेक्सिंग एंड बुलियन इंडेक्सिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा, बट स्टिल इफ हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक माई वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस हाउ टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा बिटवीन CSV फाइल एंड डेटा फ्रेम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।